यहां से हमें इसे में कली ज्वाइंट करनी है। तो जैसा हमने नीचे रख के बताया कि कली हमें इसकी पार्ट की साइड से ज्वाइंट करनी है, आसन की साइड को छोड़ देंगे। तो सबसे पहले इसे ज्वाइंट करेंगे और जितना कपड़ा हमने लास्ट में शुरुआत में लिया लास्ट तक उतना ही रखना है। ये पूरी कली ज्वाइंट हो चुकी है, इसी तरीके से इधर की साइड भी दूसरी कली ज्वाइंट कर लेंगे। अब ये देखिए ये कली भी हमें इसी तरीके से नीचे तक सिल लेनी है। तरीके से हमें दूसरे पार्ट को कंप्लीट करना है। ये हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ये अंदर की साइड से सीधी है और इसे अब आसन को जॉइंट करेंगे। इसी तरीके से हमें दूसरे आसन को भी सिलना है और दबाने वाली सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। देखिए दोनों आसन हमने ज्वाइंट कर लिए हैं। आसन ज्वाइंट करने के बाद हमने बेल्ट कंप्लीट कर ली है। बेल्ट तैयार करना बहुत ही आसान है। बेल्ट का वीडियो हमने अलग से अपलोड कर रखा है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। तो ये यहाँ पर फ्रंट आसन आएगा जहाँ पर डोरी डलेगी। यहाँ से इसका 20 सेंटर निकालेंगे जहाँ पर बैक आसन आएगा। एक छोटा सा कट लगा लेंगे जिससे हमें पता रहे। और इसके बाद हमें यहाँ से ये नापना है और यहाँ से हमें ये 11 इंच लेना है और इस दोनों पीस में कट डाल लेने हैं। बेल्ट हमारी डबल लेयर है। खुलने के बाद में देखिए इस तरीके से बेल्ट आएगी, तो आधी प्लेटें इधर जाएंगी आधी इधर आएंगी। अब सबसे पहले इस पर फ्रंट आसन रख लेंगे यहाँ पर बेल्ट के ऊपर। अब देखिए आसन को रख लिया। सबसे पहले प्लेट का डायरेक्शन हमें अपनी तरफ करना है और प्लेट हम इसमें 1.5 इंच चौड़ी डाल रहे हैं और प्लेट के ऊपर प्लेट को चढ़ा के लेना है। ये जो हमने कट लगाया है 11 इंच पे, वहां तक हमें इसी तरीके से ये प्लेटें लगानी है अपनी तरफ डायरेक्शन करके। प्लेट सेम बराबर चौड़ी रखनी है। अब देखिए इतने में हमने प्लेटें डाल ली हैं और इस कट पे आ चुके हैं और यहां से इस कपड़े को नाप लेंगे। देखिए एक प्लेट के लिए कपड़ा हमें इसमें छोड़ना है जो बैक प्लेट आएगी। और अब यहां से हमें कोई प्लेट वगैरह नहीं लेनी है, सिर्फ खाली सिलना है। अब यहां पर हमें प्लेट लेनी है, तो बैक आसन की तरफ 2 प्लेटें आती हैं। इस तरीके से आसन को बिल्कुल आसन पे मिला के रखेंगे। और एक प्लेट का डायरेक्शन हम अपनी तरफ करेंगे और अब इस कट तक हमें ये खाली सिलनी है, फिर प्लेट डालनी है। अब तक देखिए प्लेटों का डायरेक्शन हमने अपनी तरफ लिया था और अब बाहर की साइड करना है। प्लेट हमें सेम बराबर चौड़ी रखनी है जितनी हमने इधर की साइड रखी है। और अब सिर्फ प्लेटों का डायरेक्शन चेंज करना है और जो भी कपड़ा है इसी तरफ मुंह करके प्लेटों का और इसी में कवर कर देंगे।
प्लेटों को अच्छे से इसी तरीके से पूरे कपड़े में कवर करना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन्होंने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है प्लीज़ वो माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि हमें वीडियो में बोलना पड़ता है। जिन्होंने पहले से कर रखा है उन्होंने तो कर रखा है, लेकिन जो नए होते हैं उनके लिए हमें बोलना पड़ता है, और जिन्होंने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए थैंक यू, और जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो ये इसी तरीके से पूरी प्लेटें डाल लेंगे। अगर आपको बेल्ट लगाने का तरीका अच्छे से समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें हमने बेल्ट बना के नहीं दिखाई है, बना ली है, तो एक सिर्फ बेल्ट लगाने का और बेल्ट बनाने का वीडियो अलग से अपलोड है हमारे चैनल पर, आप देख सकते हो। ये इसी तरीके से पूरे कपड़े को कवर कर लेंगे। अब देखिए ये पूरी प्लेटें हमारी डल चुकी हैं। अब देखिए इसे सीधा कर लिया, और इसकी बेल्ट के ऊपर पूरे में दबाने वाली सिलाई लगा लेंगे, इसे पक्का कर लेंगे। अब देखिए इस पे पूरे पे सिलाई लगा ली है हमने, और इसकी मोहरी बनानी है। तो मोहरी के लिए सलवार को इस तरीके से सीधा रखेंगे, और ये हमने बुकरम लिया है, जितना आप खड़ी मोहरी पहनना चाहते हैं उस हिसाब से बुकरम ले लें, और ये जो पट्टी बची थी साइड से वो वाली पट्टी है। और अब इसे यहाँ पर बिल्कुल बराबर में रखेंगे तीनों चीज को, और इन पर सीधी सिलाई लगाएंगे हल्की सी, बुकरम को बिल्कुल हल्का हल्का दबाया हमने, ज्यादा नहीं। और देखिए अब इसके बाद जो ये कपड़ा है एक्स्ट्रा, इसको इसके ऊपर फोल्ड कर लेंगे। देखिए इसे यहाँ से अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करके इसकी मोहरी बनाएंगे। इस तरीके से इसे हल्का सा कपड़े को खींच के रखना है ऊपर से। और अब देखिए एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए दूसरी सिलाई लगानी है। और अब देखिए इसमें एक सिलाई हल्की सी घुमा के लगाएंगे जिससे इसकी शेप अच्छी से आए। सिलाइयां फिर ऐसे ही लगा लेंगे, फिर लहर बना के दो सिलाइयां और लगा लेंगे। इसी तरीके से दोनों मोहरी कंप्लीट कर लेंगे। अब ये देखिए दोनों मोहरी हमने बना के कंप्लीट कर ली हैं। अब इसकी फिटिंग करेंगे, तो फिटिंग के लिए सबसे पहले इसे यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और जितनी आप मोहरी पहनना चाहते हो उस हिसाब से अपनी मोहरी रखें। तो हम इसकी 6.5 इंच रखेंगे, और देखिए इस तरीके से तिरछा करके लेना है, बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं लेना है सिलाई को। अब यहां से इसे बिल्कुल बराबर करके इसमें सिलाई लगाएंगे, यहां से पक्का कर लेंगे। कपड़े को बराबर करेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे।
डायरेक्शन आ चुका है। ऐसे ही अभी दूसरे पैर तक सिल के कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए इसकी पूरी फिटिंग कर ली है और ये हमारी पूरी सलवार बनके कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कैसे?